नेपाल में रविवार को दर्दनाक विमान हादसा हो गया। लैंडिंग से पहले ही प्लेन क्रैश कर गया। विमान में 68 यात्री समेत कुल 72 लोग सवार थे, जिसमें 5 भारतीय भी शामिल हैं। दुर्घटनाग्रस्त विमान की को पायलट अंजू खतिवड़ा की बतौर को पायलट यह आखिरी उड़ान थी। प्लेन को सकुशल लैंडिंग कराने के बाद अंजू कैप्टन बनने वाली थी। इसके लिए वह सीनियर पायलट और ट्रेनर कमल केसी के साथ उड़ान पर गई थी। दरअसल फ्लाइंग कैप्टन बनने के लिए कम से कम 100 घंटे का फ्लाइंग अनुभव चाहिए होता है। को पायलट अंजू ने इससे पहले भी नेपाल के लगभग सभी विमानस्थलों में सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई थी। रविवार को पोखरा के लिए उड़ान भरते समय कैप्टन केसी ने मुख्य पायलट की सीट पर उन्हें बैठाया था। सफल लैंडिंग के बाद अंजू को मुख्य पायलट का लाइसेंस मिलने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य कि महज 10 सेकंड की दूरी से पहले ही सारे सपने और अरमान धुएं में मिल गए। नेपाल में विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की संख्या की बात करें तो अब तक कुल 104 हादसे हुए हैं, जिनमें 96 यात्री विमान और 8 हेलीकॉप्टर दुर्घटना शामिल हैं। इस हादसे में एक दुर्योग ये है कि को पायलट अंजू के पति की भी जान विमान हादसे में गई थी। दरअसल उनके पति दीपक पोखरेल भी यति एयरलाइंस में बतौर को पायलट तैनात थे। 16 साल पहले 21 जून 2006 को यति एयरलाइंस के जिस विमान की दुर्घटना हुई थी, उसमें अंजू के पति को पायलट थे। नेपालगंज से सुर्खेत होते हुए जुमला जा रहे यति एयरलाइंस का 9NAQ विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 6 यात्री और 4 क्रू मेंबर की मौत हो गई थी।